नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। लखनऊ दौन 6 अगस्त 2021 को ओबीसी महासभा के पदाधिकारी एवं वकीलों ने आरक्षण को लेकर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंप कर 27% आरक्षण की मांग की, जिसमें शिक्षकों की भर्ती 13% ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रिजर्व रखने, ईडब्ल्यूएस के 10% पदों के समान प्राविधिक नियुक्ति प्रदान करने की मांग शामिल है। वाचन के बाद तहसीलदार भावना मलगाम को यह ज्ञापन सौंपा गया। लखनऊ में माननीय तहसीलदार महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के मध्य प्रदेश शासन को यह ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसका विषय है विषय भारती 2018 ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षकों 27% आरक्षण का लाभ देकर काउंसिल में भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने विषय महोदय विषय अंक अंतर्गत लेख बिंदुवार प्रस्तुत है। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 में लागू 27% ओबीसी आरक्षण के तहत प्राविधिक चयन एवं प्रतीक्षा सूची जारी की गई थी तथा चयनित सभी अभ्यर्थियों ने दस्तावेज सत्यापन पूर्ण करा लिया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 13 जुलाई 2021 को अंतरिम आदेश में बदलाव करते हुए ओबीसी के 13% पदों को रिजर्व कर दिया गया है, जिस कारण से ओबीसी के 13% चयनित अभ्यर्थी अंतिम सूची से बाहर हो रहे, जबकि चयनित शिक्षकों द्वारा समस्त दस्तावेज सत्यापन हो चुका है, लेकिन 27% आरक्षण के हिसाब से पिछले 3 वर्षों से नियुक्ति की प्रतीक्षा में। माननीय उच्च न्यायालय ने ईडब्ल्यूएस के 10% पदों पर प्राविधिक नियुक्ति का अंतरिम आदेश दिया है, जो कि बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण के समान विवादित। माननीय उच्च न्यायालय ओबीसी वर्ग के 13% पदों को रिजर्व रखने के आदेश चयन प्रक्रिया के अंतिम दौर से बाहर हो रहे उम्मीदवार मानसिक तनाव अवसाद ग्रस्त हुए हैं, अतः 13% रिजर्व पदों को प्रोविजनल नियुक्ति देकर नवीन पदों का सृजन कर 27% के हिसाब से नियुक्ति दी जाए। महोदय निवेदन है कि चयन के अंतिम चरण तक ले जाकर ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को रिजर्व रखना अन्यायपूर्ण अनुचित है, अतः ओबीसी महासभा आपसे निवेदन करती है कि 13% ओबीसी पदों को रिजर्व रखने के स्थान पर ईडब्ल्यूएस के 10% पदों के समान प्राविधिक नियुक्ति प्रदान किए जाने हेतु अपने अधीनस्थ प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। ओबीसी महासभा द्वारा तहसीलदार महोदया जी को आपने किस संबंध में ज्ञापन सौंपे? ओबीसी महासभा के द्वारा शिक्षक भर्ती के संबंध में, जो शिक्षक भर्ती वर्ष 2018 से पेंडिंग है, जो 27% के हिसाब से सभी उम्मीदवारों ने, जिसमें ओबीसी वर्ग से भी हैं, 27% के हिसाब से सबकी काउंसिलिंग भी हो गई है और दस्तावेज भी जमा हो गए हैं, किंतु उसके पश्चात 13% पदों पर हाईकोर्ट द्वारा होल्ड कर दिया गया है। तो इसी संबंध मांग है कि 13% पदों के हिसाब से भी उनको मिला करके 27% पदों पर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट की जाए। 28 जुलाई को भी आपके ओबीसी द्वारा भोपाल में धरना प्रदर्शन था, उसमें कुछ निर्णय नहीं लिया गया क्या? हाँ, 28 जुलाई को ओबीसी महासभा द्वारा भोपाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव था, जिसमें महत्वपूर्ण मांग थी कि नीट में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए, जो कि 0 था। उसके पश्चात ओबीसी जाति का जनगणना की मांग थी, शिक्षक भर्ती का भी मुद्दा था, ऐसे अन्य बहुत सारे मुद्दे थे जिसको लेकर के ओबीसी महासभा मैदान में रहती है और सड़कों में उतर चुकी है। एडवोकेट संघ द्वारा कौन सा ज्ञापन सौंपा गया आपको? आज जो है ओबीसी महासभा के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम जो है आरक्षण के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है, जिसे हम माननीय सीएम साहब के समक्ष जो है पेश किया जाएगा। खबर समय जगत के लिए लखनऊ दौन से निखिल आर अहिरवार की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।